हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। मैं हूँ विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग मैथ्स पार्ट टू का साल 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा और आप देखना चाहते हो, डायरेक्टली चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में से आपको सारे बोर्ड के पेपर मिल जाएंगे जितने भी हमने सॉल्व किया है। और अगर आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आता हूं। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो है क्वेश्चन नंबर 1A, जहां पर आपको कहा गया है फॉर एवरी सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स वर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट। टोटल 4 क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। आपको बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी जो है ना वो सिमिलर है किससे, डीईएफ से बच्चों। और एंगल ए का मेजर 48 डिग्री दिया गया है। एंगल ए कितना है बच्चों, 48 डिग्री है। आपको बोला गया है कि भाई बता दो एंगल डी का मेजर कितना होना चाहिए। भाई आपको भी पता होना चाहिए भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है ट्राइंगल तो दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रेंट होते हैं। सो एंगल ए जो रहेगा बच्चों एंगल डी से कॉन्ग्रेंट रहेगा। सो एंगल डी का मेजर भी क्या आएगा, 48 डिग्री। बहुत ही आसान है बच्चों। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए पर आप बिल्कुल क्लिक कर दीजिए, ताला लगा दीजिएगा बिल्कुल। ओके, अभी नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया है कि एपी इज द टेंजेंट एट ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। देखो क्या बोला गया है, एक सर्कल है भाई, यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बना देते हैं, ये है एक सर्कल हो सर्कल। बोला गया है कि एपी जो है ना टेंजेंट है, ओके, टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट बनाया गया है। ओके, उसका नाम क्या है टेंजेंट का, एपी, ये है एपी। एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक टेंजेंट बनाया गया है और उस सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, ओ है। और आगे बोला गया है ओपी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ओपी जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, आगे और क्या कहा गया है, एंगल एंगल ओपीए वो है 30 डिग्री। यहां पर ये एंगल का जो मेजर है वो है 30 डिग्री। ओके, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, बहुत ही ईजी है। और आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको ज्वाइन कर दो। ओके, OA को आप लोग ज्वाइन कर दो, यही आपका रेडियस है। तो आपको ये रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। आपने सर्कल लेसन पढ़ा है तो आपने जरूर सीखा होगा कि भाई टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो याद करिएगा भाई, ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल है 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है। ओके, तो ये जो डेफिनेटली ये जो एंगल रहेगा ना बच्चों, ये 60 डिग्री का रहेगा। ये कितना डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल, ओके, ये 30, 60, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, यहाँ पर ओ पी ए, ये क्या है बच्चों, ये 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, ये 30, 60, 90 डिग्री का है। तो आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी 30, 60, 90 डिग्री में कि 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड रहता है ना, 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड रहता है वो हाफ रहता है। किसका हाफ रहता है, हाइपोटन्यूज का। तो यहाँ पर हाइपोटन्यूज जरा मुझे बताओ क्या होगा, ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड रहता है कभी भी हाइपोटन्यूज होता है। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है ना, सॉरी यहाँ पर मैं ओपी लिख दिया, ओए। 30 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड क्या है भाई, ओए। ओके, तो ओए क्या है भाई, हाफ रहेगा किसका, हाइपोटन्यूज का। तो ये है आपका हाइपोटन्यूज, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का हाफ रहेगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, OA इक्वल्स टू, OA का मतलब ही आपका रेडियस है, सो हाफ ऑफ 12, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। सो OA का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। आप लोग ऑप्शन में चेक कर सकते हो कहीं पे 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, यस हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ताला लगा लेना। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ओके, आप लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, यहां पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है। तो आपको क्या बोला गया है, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी किससे पैरेलल है भाई, ए बी किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ओके,
ए बी एक्स एक्सिस से पैरेलल है और बोला गया है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1.3। जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है वो है 1.3। अच्छे से ध्यान देना, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1.3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। ओके, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। आप लोग को ये पता होना चाहिए भाई, ये जो सेगमेंट है एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब इस सेगमेंट का जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट, इस लाइन पर कहीं पे भी जाओगे, इस लाइन पर कहीं पे भी मैं y कोऑर्डिनेट देखूंगा मुझे सेम दिखेगा। y कोऑर्डिनेट इस लाइन AB पे हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 3 रहेगा। अब देखो यहां पर किसी ऑप्शन में पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट 3 दिख रहा है क्या? देखो जरा ऑप्शन नंबर D पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर D क्या है भाई, देखो -5.3 और कहीं पे भी आपको कहीं पे भी 3 नहीं दिख रहा है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर D होना चाहिए। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, फिर से चाहिए तो बता देता हूँ। देखो AB क्या है, x एक्सिस से पैरेलल है और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 1.3 दिया गया है। आपको बोला गया है पॉइंट B का कोऑर्डिनेट, तो कैसे आप लोग पता करोगे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट? आपको ये पता होना चाहिए भाई, इस लाइन AB पर जो पॉइंट y कोऑर्डिनेट है ना, इस लाइन AB पर कहीं पे भी जाइएगा y कोऑर्डिनेट फिक्स ही रहेगा। ओके, y कोऑर्डिनेट जो 3 है ना, ओके, वो फिक्स रहेगा। तो करके लिए मेरे को ये समझ में आ गया कि पॉइंट B जो है ना, पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट तो 3 होने वाला है। ओके, तो अब मैंने चार ऑप्शन में देखा, चारों ऑप्शन में से चौथा वाला ऑप्शन जो है ना, वहां पर y कोऑर्डिनेट मुझे 3 दिखा, बाकी कहीं पे y कोऑर्डिनेट 3 है नहीं। तो करके मैंने बोल दिया चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट वन अभी देखो, फोर्थ सम क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 - 2 sin 30। देखो 2 tan 45 - 2 sin 30, इसका वैल्यू आपको निकालने बोला है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, tan 45 तो 1 होता है, माइनस 2, साइन कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 तो कट हो जाएगा, यहां से 2 1 2 बचेगा, 2 माइनस 1, ये यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ओके, 2 1 2, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। सो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर टिक सेलेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। सो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 मार्क इजिली आप लोग स्कोर कर लोगे। यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, जो है क्वेश्चन नंबर 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। अगेन 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4 मार्क्स के लिए रहेंगे, एक एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजिली यहाँ पे भी 4 मार्क हासिल कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर 8 मार्क मिल जाएंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। सो मैथ्स में पास होना एकदम हलवा काम है, आराम से आप लोग पास हो सकते हो, और 30 मार्क्स तो आपके हाथ से कहीं नहीं जाने चाहिए, इतना इजी है। लेकिन क्या करते हैं ना बच्चे, वो एक दो मार्क्स के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, पूरा साल एम्प्टी रहते हैं, मतलब पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ाई करते, और लास्ट में 10-12 दिन जब बचा रहता है ना, तो उस टाइम पे लोग पढ़ने की लिए शुरुआत करते। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी बच्चों, आपको शुरुआत से ही थोड़े थोड़े आपको मेहनत करने, ज्यादा मेहनत नहीं करने बोल रहा हूँ, आप एक मार्क के सम, दो मार्क के सम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखोगे ना, आपको बिल्कुल बर्डन नहीं होगा मैथ्स। ओके, आप लोग आराम से 80 मार्क्स तो एनी हाउ कंडीशन में स्कोर कर सकते हो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट सम देखते हैं। बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC और उसमें एंगल ABC 90 डिग्री, मतलब हम लोग जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एंगल B रखेंगे, क्योंकि एंगल B को 90 डिग्री दिया गया। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो एंगल B 90 डिग्री का है। ओके, और आपको बोला गया है BAC और BCA ये दोनों 45 डिग्री का है। BAC और BCA ये वाला एंगल, ये एंगल 45 डिग्री का है और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल आपका 45 डिग्री का है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल आपको 45 45 90 डिग्री वाला दिख रहा होगा। ओके, आपको बोला गया है कि लेंथ ऑफ AC जो है, लेंथ ऑफ AC मतलब हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया गया है, 9√2 दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ जरा AB का वैल्यू क्या आएगा। अरे ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल तो 45 45 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC इज अ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, सो आप लोग बोलोगे प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओगे 45 45 90 डिग्री वाला, क्या कहता है प्रॉपर्टी 45 45 90 डिग्री वाला, इफ दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 45 45 90 डिग्री देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, आपको यही फाइंड आउट करना है, आपको AB का लेंथ निकालना है। तो AB इज व्हाट, AB क्या है, परपेंडिकुलर साइड है। सो ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड जो होता है ना बच्चों, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड वो 1/√2 टाइम्स होता है किसका, हाइपोटेन्यूज का। आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, 30 60 90 डिग्री का भी एक प्रॉपर्टी था जो कि हमने अभी सॉल्व किया है। यहाँ पे 45 45 90 डिग्री वाला प्रॉपर्टी है,
45, 45, 90 डिग्री. तो क्या कहता है 45, 45, 90 वाला, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड. ओके, जो ये परपेंडिकुलर साइड है ना वो 1/√2 टाइम्स होता है किसका, हाइपोटन्यूज का. तो यहाँ पर हाइपोटन्यूज हमें दे रखा है बच्चों, कितना दिया गया हाइपोटन्यूज 9√2. बहुत ही सिंपल है, देखो √2 यहीं से खत्म हो गया. तो AB का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9. 9 क्या लिखेंगे वहां पे, यूनिट लिख देंगे क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, तो 9 यूनिट. ये आंसर आपके लिए आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो. अब सेकंड क्वेश्चन है, कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ आर कॉन्ग्रुएंट. देखो अगेन यहाँ पर आपके लिए फिर से एक सर्कल दिया गया बना करके, ये है सर्कल. ओके, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते जरा. ये सर्कल बन गया. अब इस सर्कल में क्या बोला गया भाई, इस सर्कल में कहा गया है कि उसका सेंटर ओ है सर्कल का और उसमें दो कॉर्ड दिया गया है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी. तो हम लोग कंसिडर कर लेते, ये हमारा कॉर्ड ए बी है. ओके, और एक दूसरा कॉर्ड है, ये है कॉर्ड सी डी. ओके, ये दो कॉर्ड हो गया. ये दोनों कॉर्ड क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, देखा रखा है कॉन्ग्रुएंट है. अगर मेजर ऑफ आर के बी, मेजर ऑफ आर के बी जो है 120 डिग्री है, ये जो आर के बी इसका मेजर है 120 डिग्री, तो बताइए मेजर ऑफ आर सी डी क्या होगा. मेजर ऑफ आर सी डी भी 120 डिग्री आएगा. ओके, क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने थ्योरम, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट. मतलब अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम है, मतलब दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, और जिसमें से एक कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में जो आर का है उसका मेजर दिया गया है, तो दूसरे कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में जो आर का है उसका भी मेजर सेम होना चाहिए बच्चों. ओके, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको लिखकर. आप लोग सॉल्यूशन में, सिंपल है, एक मार्क का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन लिखोगे. आप लोग बोलोगे कि कॉर्ड ए बी जो है वो है कॉन्ग्रेंट है, किससे, कॉर्ड सी डी से. कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट है. ओके, ये कॉन्ग्रेंट है. सो आप बोल सकते हो कि corresponding arc of congruent chord of a circle are congruent. तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं as we know. अरे अपने को क्या पता है, अपने को theorem पता है, property पढ़ा है अपने, क्या पढ़ा है, corresponding arc of congruent chord of a circle, congruent chord of a circle are congruent. ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है. अरे सर कैसे याद रखेंगे प्रॉपर्टी, अरे बच्चा याद करना पड़ेगा आपको, आप 10th क्लास के हो, आप लोग जूनियर सीनियर में नहीं हो, ये आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टी. सो करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे मेजर ऑफ आर्क सी डी जो रहेगा वो इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी से. ओके, यहाँ पर आपने शुरुआत में लिखा ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद रीजन बता दिया भाई अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क रहेगा वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. सो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे मेजर ऑफ आर्क सीडी आपको फाइंड आउट करना है. मेजर ऑफ आर्क सीडी इक्वल होना चाहिए मेजर ऑफ आर्क एबीसी. देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ मेजर ऑफ आर्क जो सीडी है उसका भी मेजर क्या रहेगा, 120 डिग्री. बहुत ही इजी बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट. ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर. देखो आपको वर्टेक्स देख कर रखा है, वर्टेक्स कितना दिया गया है 4.3. ओके, और फिर दूसरा क्या दिया गया है 7.5, और तीसरा क्या दिया गया आपको 2-2.1. आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पर आपको बोला गया है कि y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल. आपको भी पता है भाई एक ट्रायंगल है. ओके, एक ट्रायंगल है और उसका एक सेंट्रोइड भी होता है, और तीन पॉइंट दिए गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट ले लो. यहाँ पर पॉइंट लिखकर नहीं दिए गए, तो आप लोग कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो. मैंने ए बी सी ले लिया, एक को 4.3 लेना है, एक को 7.5 लेना है, एक को -2.1 लेना है. ओके, और इसको आप लोग ले लो, कंसिडर कर लो. पॉइंट जी क्या है भाई, सेंट्रोइड है. तो ये सेंट्रोइड है, तो आपको सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा. ओके, सेंट्रोइड का वैसा कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x, y हम लोग ले रहे हैं. तो इस सेंट्रोइड में जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है वाई का. ओके, तो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है. तो सेंट्रोइड का आपको फॉर्मूला पता होगा. ओके, आपने सीखा होगा, ये x1 है इसको y1 ले लो, ये x2 है इसको y2 ले लो,
ये एक्स थ्री है, इसको वाई थ्री ले लो। सो आप लोग यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1, y1 कितना है 3 लिया है, y2 कितना है 5 लिया है, प्लस y3 कितना लिया है 1 लिया है, और अपॉन में 3 कर दो। सो कितना आएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 3 करोगे तो क्या आएगा 3। तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 3 आएगा। तो इतना इजी है, यहाँ पर आप लोग बोलोगे बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, यहाँ पर लिख सकते हो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, और इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वन दिया गया है, फिफ्थ वन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये जो था आपका थर्ड वन था, ओके थर्ड वन। फोर्थ वन में आपको क्या दिया गया है, साइन थीटा, इफ साइन थीटा जो है ना वो इक्वल है किससे, कॉस थीटा से, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का मेजर फाइंड आउट करना है आपको, थीटा का मेजर फाइंड आउट करना है। देखो आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला एक आपने फॉर्मूला सीखा था, आपने ये सीखा था कि जो साइन थीटा जो रहता है ना वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ओके। किसी एक को आप लोग यूज करो, जैसे मैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, या फिर कॉस थीटा की जगह पे साइन 90 माइनस थीटा आप लोग लिख लेना। चलो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, ओके। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो, क्या पता है अपने को फॉर्मूला पता है यार, साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। तो ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की जगह पे हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, और इज इक्वल टू क्या बच रहा है, ये कॉस थीटा बच रहा है, ओके। जब दोनों जगह को मैं कंपेयर करूंगा तो ये कॉस थीटा, ये कॉस कॉस को मान लो कैंसिल ही हो गया, तो बच्चा क्या 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा बच्चा, ये माइनस थीटा को उधर लेके जाओ तो 90 इक्वल टू क्या होगा, माइनस थीटा उधर गया तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, तो 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सो 2 को यहाँ पे ला दो तो 90 अपॉन 2 इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो फाइनली मैं देयरफॉर करके बोल सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 45 डिग्री, ओके। सो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 45 डिग्री। आपको भी पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने पढ़ा है, जो 45 डिग्री रहता है ना बच्चों, 45 डिग्री साइन कॉस का सेम रहता है, टेन एंड कॉट का सेम रहता है, ओके। तो साइन थीटा अगर कॉस थीटा इक्वल है तो थीटा का वैल्यू 45 रहेगा, तो ही जाकर ये इक्वल होगा, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने थीटा का वैल्यू 45 निकाल लिया है। चलो ये फटाफट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बी भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2A। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है आपको, क्वेश्चन पेपर में ये फिगर ड्रॉ करके मिलेगा, रेडीमेड रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। इन द गिवन फिगर सेगमेंट एसी एंड सेगमेंट बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, इफ एपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन पीडी। आपको दे रखा है, आपको बोला गया है कि एपी अपॉन जो है ना पीसी जो है वो इक्वल है, किससे इक्वल है, बीपी अपॉन डीपी से, ओके, आपको दे रखा है। देन आपको बोला गया है कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी, ये जो क्वेश्चन है एक्टिविटी के रूप में आपको सिर्फ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना, मतलब जहां पे भी एम्प्टी बॉक्सेस है उस बॉक्स को फिलअप करना है, और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल एबीपी, क्या प्रूफ करके दिखाना है, ट्रायंगल एबीपी जो है वो सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए सीडीपी से, ओके, सीडीपी से, ए बी पी और सी डी पी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बहुत ही आसान है बच्चों, देखो आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे और एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो ही जाकर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, और इसके लिए हमने प्रॉपरली टेस्ट पढ़ा है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। सो यहाँ पर आपको देखो दो साइड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी दिया गया है, एपी एपी अपॉन सी बी दिया गया है एक साइड प्रोपोर्शन में, और ये दूसरा वाला बीपी अपॉन पीडी ये दूसरा साइड प्रोपोर्शन में दिया गया है। अगर आप दोनों साइड के बीच में देखोगे तो एक एंगल भी दिख रहा है जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये कॉन्ग्रेंट होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो आप लोग यहाँ पर लिखोगे कैसे, शुरुआत करना है इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल हम लोग लिखेंगे सी डी पी, ओके। सो जहां पे भी बॉक्सेस रहेंगे वहां पे बॉक्स को फिलअप कर देना, पहले आप लोग लिख लेना कि एपी अपॉन पीसी जो है वो इक्वल दिया गया, एपी अपॉन पीसी जो है वो इक्वल है किससे, बीपी अपॉन डीपीसी, ये तो आपको गिवन में दिया गया है। तो यहाँ पर दो साइड तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में दिया गया है, और दोनों साइड के बीच में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, तो आप लोग ये एंगल का नाम लिख लो,
एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी. ओके, तो इस तरह से इसका रीजन दे देना क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो ये हो गया. और अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सफिशिएंट रीजन है टू से दिस ट्रायंगल एबीपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी. कौन से टेस्ट से सिमिलर है भाई? साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. सो ये हो गया आपका, बस आपको इतना ही करना था. आपको एक्टिविटी बेस्ड में दिया गया है, जहां पे भी आपको बॉक्सेस दिखेंगे वहां पे बॉक्स को आपको फिल करना है. चलो अभी फर्स्ट सम तो हो गया, सेकेंड सम की तरफ में बढ़ते हैं. क्या दिया गया सेकेंड सम में हमें? यहाँ पर हमें बोला गया है कि इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द रेक्टेंगल. अरे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो क्या होगा भाई, इसके सभी एंगल 90 डिग्री के रहेंगे. ओके, सो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको बोला गया है कि ए बी जो है वो है 5 यूनिट, ए सी जो है 13. ए बी आपका 5 दिया गया है, ए सी आपको 13 दिया गया है. आपको बोला गया देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द बीसी. अरे इतना इजी क्वेश्चन है. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग सीधा क्या करेंगे, देखो कंसीडर करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. कंसीडर इन राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर इन राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों? ट्रायंगल का नाम है ए बी सी. यूज कर लो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम. सीधा बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या कहता है थ्योरम? थ्योरम कहता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ये लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम में. अब देखो एसी का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर एसी का वैल्यू है यहाँ पर 13. तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग. 13 का स्क्वायर लिखना है, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? ए बी है 5, तो 5 का स्क्वायर करना. और बीसी कितना है नहीं पता, बीसी का स्क्वायर हैजर्डस रखना है. 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बीसी का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 169 को 25 से सब्ट्रैक्ट कर लो. ये सब तो आते ही रहेगा आपको, बहुत ही सिंपल है. ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो 144 मिलेगा इक्वल्स टू बीसी का स्क्वायर. यहाँ से स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर निकाल दिया तो क्या आएगा, 144 की तरफ में क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो बीसी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, आप सबको पता है 144 का स्क्वायर रूट कितना है भाई, 12 है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 है. तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए बच्चों? 12 आना चाहिए. 12 क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो यूनिट लिख दो यहाँ पर. ओके, तो इस तरह से आपने लेंथ ऑफ बीसी निकाल लिया. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए आपको फाइंड आउट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं. तो बच्चों ये है थर्ड क्वेश्चन. अगेन यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. ये आपको बोला गया है कि भाई इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो टू प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इनटू sec थीटा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों. ओके, और ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर जो है जो बच्चे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी लगने लगता है. बहुत ही इजी सवाल है बच्चों. देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको LHS एंड RHS को इक्वल बताना है. तो आप लोग LHS वाला पार्ट कंसिडर करोगे. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर LHS. ये हालांकि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है ना आपको ऐसे में भी आता है. मतलब ये तो एक्टिविटी की तरह आया है, बिना एक्टिविटी फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कंसीडर LHS. LHS क्या है हमारा? cot थीटा प्लस tan थीटा. ओके, क्या करना चाहिए आपको? देखो हमेशा से आप लोग ध्यान में रखना है कि cot और tan को ना ज्यादा से ज्यादा हमें साइन एंड कॉस के रूप में हमें लिखना चाहिए. तो cot थीटा जो हो जाएगा cos अपॉन साइन हम लोग लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा कह सकते हैं, और प्लस tan थीटा को हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ओके, यहाँ पर आप लोग बता देना कि जो tan थीटा है और साइन cot थीटा है, सिंस मैं बोलूंगा tan थीटा जो आता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा आता है, और cot थीटा जो है वो आता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा. सो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बताना है. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो. देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा करने पर आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा करने पे cos स्क्वायर थीटा आएगा, और अपॉन में हम लोग क्या करने वाले साइन थीटा इंटू cos थीटा कर देंगे. ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं करना है. अब आपको ही पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला जो आइडेंटिटी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वन होता है. ओके, वन होता है, और अपॉन में जो बच गया साइन थीटा इंटू cos थीटा. ओके, अब देखो ये इसको आप लोग इस तरह से भी सोच सकते हो ना कि वन अपॉन ये है साइन थीटा
और मल्टीप्लाई बाय ये है 1 अपॉन cos थीटा, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ओके। सो अब देखो 1 अपॉन sin थीटा जो है cos थीटा आ जाएगा और 1 अपॉन जो है cos थीटा वो आएगा sec थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा RHS को। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ओके, नोट डाउन कर लो अगर आपको नोट डाउन करना है तो। नेक्स्ट वन अभी देखो, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2B यहाँ से शुरू होता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिया है। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर है, और जो दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना वो रेशियो में दिया गया है 4:5 है, साथ ही साथ में ये वाला ट्राइंगल है उसका एरिया दिया गया है। सो यहाँ पे थ्योरम ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आ जाती है, आपको बोला गया है कि फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो हम लोग यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का। यहाँ पर आप लोग पहला स्टेप में ये लिखोगे कि ट्राइंगल एबीसी जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR से, आप लोग गिवन लिखोगे और उसके बाद आप लोग बोलोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल क्या कहता है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा दिया गया है, एबीएस टू PQ, तो इसी दो करस्पॉन्डिंग साइड का क्या करो स्क्वायर करके लिख दो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग रीजन क्या बता देंगे, थियरम ऑन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थियरम ऑन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR में से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया गया, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को एज इट इज रखेंगे और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना लिखेंगे 125 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो एबी स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दिया गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एबी स्क्वायर कितना आएगा 4 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर बैठेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी करना है ना, तो ये 125 को भी इधर लेके चले जाओ, तो 125 को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड से वहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 और 125, 25 1 जा 25 5 जा, ओके। सो देयरफॉर मैं फाइनली बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब 16 5 जा क्या आएगा 80 आएगा, सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, ओके। सो इस तरह से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग सेकेंड वन देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया गया इन द गिवन फिगर में आपको ड्रॉ करके दे दिया, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, आपको बोला गया है कि मेजर ऑफ द आर्क डीएक्सी जो है वो है 105 डिग्री, तो ये जो आर्क है ना इस आर्क का मेजर 105 डिग्री दिया गया है। साथ में आपको कहा गया है कि मेजर ऑफ द आर्क एवाईसी वो है 47 डिग्री, देखिए बहुत ही सिंपल है, मेजर ऑफ द आर्क एवाईसी 47 डिग्री है, और उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीबीई, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई ये दो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड कहाँ पे मीट हो रहे, एक्सटर्नली मीट हो रहे, ओके। सो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा रहेगा, इफ टू कॉर्ड एडी एंड कॉर्ड सी मीट इच अदर एक्सटर्नली, ओके, देन मेजर ऑफ द एंगल डीबीई, तो आप लोग क्या बोलोगे, आपको एंगल डीबीई का मेजर निकालना है, सॉल्यूशन में आप लोग बोलोगे कि मेजर ऑफ एंगल डीबीई कैसे लिखना है, कॉर्ड एडी एंड कॉर्ड सीई मीट ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट बी, ये एक्सटर्नली मीट हो रहा है, ओके। सो कौन से पॉइंट पर, बी पर, सो यहाँ पर बाय द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो मेजर ऑफ एंगल, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल यहाँ पर लिखना है डीबीई, ओके, मेजर ऑफ एंगल डीबीई आपको फाइंड आउट करना है ना, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, therefore मेजर ऑफ एंगल डीबीई क्या आएगा भाई, मेजर ऑफ एंगल डीबीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ में लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क
डी एक्स ई मेजर ऑफ आर्क डी एक्स ई माइनस मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे हाफ ले लिया कॉमन मेजर ऑफ आर्क डी एक्स ई माइनस मैं यहाँ पर लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क ए वाई सी ओके ये कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में हाफ लिखना है फिर मेजर ऑफ आर्क डी एक्स ई देखो कितना है 105 है फिर माइनस मेजर ऑफ आर्क ए वाई सी कितना है 47 डिग्री है ओके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 105 में से 47 निकाल दो जरा देखो 50 55 और 58 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 58 आ जाएगा। सो ये हाफ ऑफ 58 कर लेना यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ 58 डिग्री सो 58 का आधा कर लेना 21 का और यहाँ पर कितना आएगा 228 सा 28 करने पे आ जाएगा सॉरी 28 नहीं 29 सा ओके 29 का करेंगे तो 58 आएगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे मेजर ऑफ एंगल डीबीई मेजर ऑफ एंगल डीबीई कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर इज इक्वल्स टू 29 डिग्री। सो अच्छे से आपको ये याद रखना है बहुत ही सिंपल है इजी है एकदम आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना कैसे हम लोग ने यूज किया यहाँ पर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन अभी देखो यहाँ पर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है इस सर्कल का रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर का है और बोला गया है कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट हमने पॉइंट पी भी ले लिया ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल तो सेंटर ऑफ द सर्कल का हमें यूज करना है और पॉइंट पी से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे हमें सेंटर का यूज करना है ना तो यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस 3.2 है आप लोग क्या करो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लो ओके मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ लाइन को थोड़ा एक्सटेंड हम लोग कर लिया एक्सटेंड करने के बाद आप लोग क्या करो आप अपना कंपास तो मेरे पास तो कंपास नहीं है मैं आपको जो डायरेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट पी पर आप अपना कंपास को रखना कंपास को रख के पॉइंट पी पर तो क्या करना दो आर कट करना ओके टेक सम सुटेबल डिस्टेंस एक सुटेबल डिस्टेंस लेना और दो आर कैसे आप लोग कट करना यहाँ पे दोनों तरफ में आर कट करना अब जहां पे आर कट किया वहां पर आपको पॉइंट मिलेगा ओके सो पॉइंट ये मिलेगा क्या करना आप ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टेंस का मोर देन हाफ लेना और दो आर कैसे ऊपर और नीचे की तरफ में कट करना ऐसे ऊपर है नीचे की तरफ में क्या करना दो आर कट करना इस तरह से आप लोग दो आर कट करोगे यहाँ पे रख के टेक सम डिस्टेंस मोर देन हाफ और दो आर ऐसे कट करना एक आर के यहाँ पे और एक आर डाउन साइड में ऐसे कट करना आप लोग ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब सेम दूसरे तरफ में रखना है दूसरे आर जहां पे कट किए थे ना वहां पर भी एक पॉइंट मिल रहा है तो दूसरे तरफ से आपको ऐसे दोनों आर को कट करना है उसके बाद क्या करना है ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे दोनों पॉइंट से क्या करो एक लाइन आप लोग क्या करोगे ड्रॉ करोगे और ये जो लाइन रहेगा ये क्या रहेगा आपके लिए टेंजेंट रहेगा तो ये बन गया आपका टेंजेंट इस तरह से। सो बहुत ही सिंपल है टेंजेंट बनाने के लिए आपका ये टेंजेंट बन गया सो बस आपको इतना ही लिखना है यहाँ पर आप लोग चाहिए तो इस लाइन का नाम दे सकते हो लाइन एल एम जो देना है ओके ये कंप्लीट हो गया। सो ये है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का भी साइन दे सकते हो। नेक्स्ट वन अभी हम लोग फोर्थ सम देखेंगे ओके सो फोर्थ सम में क्या दिया गया इफ साइन थीटा इज 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा सो अगेन हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे सो आइडेंटिटी हम लोग का यूज कर लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या कहता है आइडेंटिटीज क्या कहता है भाई आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं ओके कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे लिए आइडेंटिटी इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा कितना है देखो 11/61 तो 11/61 का स्क्वायर कर लो सो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस 11 का स्क्वायर करने पे 121 एंड 61 का स्क्वायर कर लो 61 × 61 1 × 1 = 1 1 = 6 0 लो 6 × 1 = 6 6 = 36 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 7 2 1 आ गया तो यहाँ पर लिखूंगा 3 7 2 1 अब एक काम करना अपॉन 1 पुट करके ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 7 2 1 माइनस 121 होगा ओके क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आता है और अपॉन में क्या रह जाएगा फिर से 3 7 2 1 रह जाएगा
3721 में से 121 अगर निकाल देंगे हम लोग, 121 निकाल देंगे तो 3600 हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3600 और अपॉन में 3721, सो cos स्क्वायर थीटा आपको मिल गया, ये cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो cos स्क्वायर थीटा आपको क्या मिला, 3600 मिला है, cos स्क्वायर थीटा। सो अब मुझे cos थीटा निकालना है, तो स्क्वायर यहाँ से हटा दो, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इस ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ मैं यहाँ पे बोलूंगा 3600 अपॉन 3721, तो फाइनली जाकर मुझे क्या मिलेगा, 3600, देखो बच्चों ये 60 का स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है, और 3721 क्या है, 61 नॉट 31, ओके 61। सो इस तरह से आपने cos थीटा फाइंड आउट कर लिया है। सो फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 61, ओके। तो ये फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना था। चलो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सो डेट हम लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग लास्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B का फिफ्थ सम जो है, क्या देकर रखा है आपको, बोला गया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड एसी इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है स्टेट वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ओके। आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा होगा, उसके अंदर एक एक्सरसाइज था, वहां पर आपने सीखा होगा, आपको ट्राइंगल के तीन साइड दिए जाएंगे और चेक करने के लिए बोला जाएगा कि भाई ये बता दो कि भाई ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर लो, ओके। तो बिगेस्ट साइड स्क्वायर क्या है, बिगेस्ट साइड क्या है, एसी, ओके। तो एसी का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, सो एसी का स्क्वायर क्या आएगा, 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 41 into 41, सो 41 into 41 अगर किया तो आपको 1681 आ जाएगा। देखो 40 का स्क्वायर 1600 आएगा, तो 41 का स्क्वायर 1681 हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, ऑल्सो आपने बिगेस्ट साइड का स्क्वायर किया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड करो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड कौन सा है भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओके। सो इसको आप चाहिए तो नंबर वन दे देना, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना, ए बी स्क्वायर कितना है बच्चों, यहाँ पर ए बी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कर लो, बी सी कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कर लो। सो 9 का स्क्वायर करने पे 81 आ रहा है और 40 का स्क्वायर करने पे 1600 आ रहा है, दोनों को प्लस किया तो 1681 आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख देते, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू 1681, इसको नंबर 2 दे दो। अब देखो आपको क्या पता चल रहा है, 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है आपको, मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या पता चल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है ना वो इक्वल आ रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड से। तो मैं यहाँ पर कहूंगा 1 एंड 2 से हमें ये पता चल रहा है एसी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है, किससे इक्वल आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। सो अगर ऐसा आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B स्टार्ट कर सकते हैं, आप अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपको बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट, एनी वन एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है 3 मार्क के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन से ये भी। यहाँ पर आपको देखो एक एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि कॉर्ड पी क्यू एंड कॉर्ड एस आर, ये दोनों कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, पॉइंट टी पर आकर। आपको बोला गया है कि एंगल एस टी क्यू, ये जो एंगल इसका मेजर 58 डिग्री है, एंगल पी एस आर आपको दिख रहा है इस एंगल का मेजर 24 डिग्री है, और आपको बोला गया है देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए क्या, वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि एंगल एसटीक्यू जो है ना वो एसटीक्यू जो है वो हाफ आना चाहिए, किसका हाफ आना चाहिए, मेजर ऑफ आर्क पी आर, मेजर ऑफ आर्क पी आर कौन सा, ये वाला आर्क, ओके, ये आर्क प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू का। सो आप लोग क्या करना है, एंगल एस टी क्यू का मेजर कितना है 58 डिग्री, ओके, एस टी क्यू का मेजर क्या दिया गया 58 डिग्री दिया। आप लोग क्या करो, ये जो राइट साइड है ना उसको सॉल्व करना, राइट साइड को सॉल्व करना और हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी आर और हाफ प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू, इसका जो वैल्यू है ना 58 डिग्री आना चाहिए,
क्योंकि अगर इसका वैल्यू 58 डिग्री आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड से। तो आपको ये वेरीफाई करना है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। अब उसके लिए देखो, राइट हैंड साइड में हमें मेजर ऑफ आर्क पीआर का वैल्यू पता होना चाहिए। पीआर का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। ओके, हम लोग इसको निकाल सकते, कैसे निकाल सकते? देखो, पीएसआर, पीएसआर जो इंस्टेंट एंगल और पीआर जो है ना, ये इंटरसेप्टेड आर्क ले लो, तो इंस्टेंट एंगल थ्योरम से हम लोग इसका मेजर निकाल सकते हैं। ओके, 24 है तो ये डबल हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, एसक्यू का मेजर निकालना है। एसक्यू का अगर मेजर निकालना है तो आपको यहाँ पर इस इंस्टेंट एंगल का मेजर पता होना चाहिए, एस पी क्यू। इसका मेजर आपको अगर पता रहेगा तो एसक्यू का भी मेजर पता चल जाएगा, इंस्टेंट एंगल थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। सो इस एंगल का मेजर निकालने के लिए देखो आप लोग बच्चों, ध्यान देना, इस एंगल का मेजर निकालने के लिए ना आप लोग एक काम करो, ये ट्राइंगल कंसिडर करो। ओके, यहाँ पर चाहिए तो मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम देखो, यहाँ पर ये पी वाला पार्ट पी, यहाँ पर आपका टी है और ये है एस। ओके, ये एंगल में ड्रॉ किया हो, यहाँ पे इस एंगल का मेजर है 24 डिग्री। ओके, और देखो आपको यहाँ पर एस टी क्यू, ये एंगल दिया है ना एस टी क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, एस टी क्यू को ना हम लोग एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करेंगे। ओके, एस टी क्यू को हम लोग एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एस टी क्यू जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है, जिसमें से ये 58 डिग्री, सो ये एक्सटीरियर एंगल है एस टी क्यू। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है, सम ऑफ द मेजर ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल से। तो आपको ये एंगल भी मिल जाएगा, आप लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करके ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल एस पी क्यू, एस पी टी बोलो या एस पी क्यू बोलो चलेगा। तो ये एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग क्या बोलोगे, एंगल एस टी क्यू जो है वो इक्वल है, किससे इक्वल है, सम ऑफ द मेजर ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल से, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इन ट्राइंगल एस टी पी, एस टी पी जिसमें एंगल एस टी क्यू क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एस टी क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करेंगे। Therefore, मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एस टी क्यू जो है वो इक्वल आएगा, किससे इक्वल आएगा, एंगल एंगल पी और एंगल एस से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल पी का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, एस पी टी हो जाएगा। ओके, और एंगल एस का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल पी एस टी हो सकता है। ओके, पी एस टी, समझा कि नहीं? इसके लिए आप लोग रीजन क्या लगाओगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम है। कौन सा थियरम है, रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम, ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। अभी देखो एंगल एस टी क्यू हमें पता है, एंगल एस टी क्यू कितना है भाई, 58 डिग्री है, इज इक्वल्स टू एस पी टी आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज रखना है एस पी टी। और आपको ये पता है एंगल पी एस टी पता है, पी एस टी कितना है 24 डिग्री। सो एस पी टी निकालने के लिए आप लोग क्या बोलोगे, एस पी टी इज इक्वल्स टू 58 में से 24 हो जाएगा। ओके, 24 को इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, 58 माइनस 24 डिग्री होगा। आपको जहां पे भी बॉक्स दिया रहेगा बॉक्स को आप लोग फिल करना। ओके, सो देयरफॉर मैं यहाँ पे एंगल एस पी टी निकालूंगा, 58 में से 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, तो 34 डिग्री आ रहा है आपको एस पी टी, एस पी टी आपको 34 डिग्री मिल गया। ओके, सो ये एंगल मिल गया 34 डिग्री मिला, दैट इज आप लोग बोल सकते हैं एस पी क्यू। ओके, एस पी टी का मतलब क्या है बच्चों, एस पी क्यू हो सकता है ना, क्योंकि एस पी टी बोलो या एस पी क्यू बोलो, इट्स वन एंड द सेम एंगल। तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ एंगल एस पी क्यू जो है ना वो आपका 34 डिग्री हुआ। अब नेक्स्ट, आपने ये फाइंड आउट कर लिया, ये है 34 डिग्री, ये 34 डिग्री। ओके, अभी हम लोग एस क्यू और आर पी आर ये भी निकाल लेंगे। ओके, इंस्क्राइड एंगल थ्योरम से इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। सो नेक्स्ट वन हम लोग बोलेंगे, नाउ एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क एस क्यू। ओके, सो नाउ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल एस पी क्यू जो है वो इक्वल है किससे, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एस क्यू से। ओके, सो ये इंस्क्राइब एंगल थियरम यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इंस्क्राइब एंगल थियरम। ओके, इंस्क्राइब एंगल थियरम ऐसे लिख दिया, ये समझ जाओ इंस्क्राइब एंगल थियरम। सो एस पी क्यू मेरे पास है 34 डिग्री इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एस क्यू। तो फाइनली
मैं बोल सकता हूँ 34 इंटू 2 करेंगे तो आपको मेजर ऑफ आर्क एस क्यू मिल जाएगा. तो देयरफॉर क्या लिखूंगा, मेजर ऑफ आर्क एस क्यू इक्वल्स टू 34 इंटू 2, मतलब क्या आएगा 68 डिग्री. कितना हो जाएगा यहाँ पर 68 डिग्री हो गया. तो मेजर ऑफ आर्क एस क्यू आपको मिल गया 68 डिग्री. और एक से मेजर ऑफ आर्क पी आर भी ढूंढ लो. ऑल्सो मैं यहां पर लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल पी एस आर जो रहेगा वो हाफ रहेगा मेजर ऑफ आर्क पी आर से. सो मेजर ऑफ एंगल पी एस आर ओके वो हाफ रहेगा. किसका हाफ रहेगा, मेजर ऑफ आर्क पी आर का. ओके यस, तो यहां पे भी सेम रीजन आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. सो यहाँ पर देखो पी एस आर का मेजर कितना दिया गया, 24 डिग्री. तो आप लोग यहाँ पर 24 लिखो इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी आर. ओके सो फाइनली यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क पी आर आप लोग क्या बोलोगे, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी आर इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 करने पे क्या मिल जाएगा 48 डिग्री. सो यहां पर आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये दोनों आर्क का मेजर निकाल लिया है, इसको भी बॉक्स में पुट कर देता हूं. सो ये दोनों आर्क का आपने मेजर फाइनली फाइंड आउट कर लिया. अब आपको देखो क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है. अब आप लोग क्या करो, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी आर प्लस हाफ प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू करो. ओके ये दोनों को प्लस करो, उसका हाफ करो, देखो आपको एस टी क्यू के मेजर के बराबर आता है कि नहीं. अगर आएगा तो आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये वेरीफाई हो चुका है. सो अब यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या आएगा देखो, अभी हम लोग नाउ हाफ ऑफ अभी ये कर लो, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी आर प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू कर लो. ओके ये दोनों को प्लस करो, तो हाफ ऑफ करके निकालो, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी आर कितना मिला है देखो जरा 48 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू कितना मिला है आपको 68 डिग्री. ओके ये दोनों को प्लस करो और उसका हाफ करो, तो हाफ ऑफ दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा देखो, ये 8 क्या आएगा 16 आएगा, 6 प्लस 4 10 और 11 तो 116 आ रहा है दोनों को प्लस किया तो, और 116 का हाफ कितना हो जाएगा 58 डिग्री. तो देयरफॉर आप लोग क्या बोल सकते हो कि एंगल एस टी क्यू, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं यहां पर जो एंगल एस टी क्यू है वो इक्वल है. ओके चाहिए तो इसको आप लोग नंबर वन ये नंबर टू में रखना, और ये जो है आपको एंगल एस टी क्यू जो आपको दिया गया है, ओके एस टी क्यू कितना दिया गया है वो आपको 58 डिग्री दिया गया है. तो यहां पर आप शुरुआत में चाहिए तो लिख लेना हो, नंबर वन रखना एंगल एस टी क्यू जो है वो 58 डिग्री यहाँ पे लिख लेना है, एस टी क्यू जो है 58 डिग्री इसको नंबर वन करके रखना. ओके सो वन एंड टू से आप लोग बोल सकते हो कि एंगल एस टी क्यू जो है इक्वल है, इससे इक्वल है भाई हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी आर प्लस मेजर ऑफ आर्क एस क्यू से. ओके सो ये आपका वेरीफाई हो चुका है, इट्स वेरीफाइड, ऐसे बता दो इट्स वेरीफाइड, ये हो चुका है आपका वेरीफाइड. सो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, आप लोग इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो सो डैट हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ में फिर बढ़ सकते हैं बच्चों. सो आइए बच्चों अभी हम लोग सेकेंड सम देख लेते हैं. सेकेंड सम में क्या बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विल डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो पॉइंट पी क्या कर रहा है भाई, पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो ए पी और ये पी बी है ना उसका जो रेशियो है वो 3:1 का है आपको दे रखा है. और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है x, y, आपको इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, वेर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 4, -3 दिया और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 8, 5 दिया गया. तो आप लोग क्या करोगे ना, देखो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 कंसिडर करोगे और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 कंसिडर कर लेंगे. ओके सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, हमें पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. सो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे
और सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन लिखेंगे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या लिखोगे, वाई इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन रहेगा। यहाँ पे एम और एन क्या लोगे भाई, रेशियो का 3:1 रहेगा। ओके, तो एम और एन का जो रेशियो है वो 3:1 का है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, एम का वैल्यू आप लोग ले लो 3 ले लो, x2 देखो कितना है यहाँ पर 8, तो ब्रैकेट में 8 करके ले लेना, फिर प्लस n, n कितना लेंगे हम लोग यहाँ पे 1, और x1 कितना लेंगे 4, यहाँ पर देखो x1 कितना है 4, ब्रैकेट में 4 लिख दे रहा हूँ, अपॉन में एम प्लस एन, एम प्लस एन मतलब 3+1 कर लो, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3×8=24 मिलेगा, प्लस 4×1=4 आएगा। सो नेक्स्ट अपॉन में 3+1=4 हो जाएगा, तो 28/4 हो जाएगा, तो 28 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमें, 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ओके, सो पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट मिल गया, उसी तरह हम लोग y कोऑर्डिनेट ढूंढ के निकालते, तो y इक्वल्स टू m कितना रहेगा भाई 3 रहेगा, y2 देखो कितना है 5 है, तो 5 डाल दो यहाँ पर। ओके, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, n, n कितना है यहाँ पर 1 है, और y1 देखो y1 कितना है -3, तो ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना, और अपॉन में m प्लस n मतलब 3+1 करना, तो यहाँ पे 3×5=15 हो जाएगा, +1 और -3 का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जाएगा, -3 आएगा, और अपॉन में क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 15 में से 3 गया तो 12 बचेगा, 12 अपॉन 4 करेंगे तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 12 जो है 4 के टर्म में कब आता है 3 था। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p इज, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज क्या लिखेंगे, 7,3। ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 3a यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3b के। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3b के तरफ में पहुंच गए, जहां पर आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग एनी टू सब क्वेश्चन, 6 मार्क के लिए आपको बोला गया है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखो आपको फिगर ड्रॉ करके दिया गया है इन ट्राइंगल ABC, इस फिगर में आपको बोला गया है कि सेगमेंट XY जो है पैरेलल सेगमेंट AC से है, यहाँ पर लिख के भी दिया गया, और आपको बोला गया 2 times of AX, अगर मैं AX का डबल करूंगा तो वो BX का 3 times से इक्वल होगा। ओके, 2 times of AX = 3 times of BX दिया गया है। ओके, सो आगे आपको बोला गया है कि भाई XY का वैल्यू अगर 9 है तो AC का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप लोग क्या करना, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, ओके, एक बड़ा सा ट्राइंगल और एक ये छोटा सा ट्राइंगल ले लो XBY, ये दो ट्राइंगल को, बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देना। ओके, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो इसके जो साइड्स रहेंगे प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके, तो प्रोपोर्शन में जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर टू फाइंड में क्या करना है वो लिखो, टू फाइंड में आपको क्या करना है AC, तो AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे XY का वैल्यू भी दिया गया वो लिख लो 9, ये आपका गिवन है और ये टू फाइंड है। अभी देखो सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ओके, इन ट्राइंगल ABC लिखेंगे, ABC में जो डबल है AX का, 2AX जो है वो इक्वल है किससे, 3BX से। हम लोग क्या करने वाले, पहले रेशियो निकाल लेंगे, AX और BX का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ओके, ये आपको देकर रखा है, ये आपका गिवन है, तो इससे हम लोग को रेशियो मिल सकता है। ओके, कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर BX को यहाँ पे ले लो, BX को यहाँ पे ले लो, 2 को वहां पे भेज दो, तो AX अपॉन क्या मिलेगा, AX/BX मिलेगा। ओके, AX/BX = 3/2 मिल जाएगा, सही है कि नहीं, देखो BX को यहाँ पर ले लिया, 2 को वहां पे भेज दिया, तो AX/BX क्या हो गया, 3/2 आ गया। अब उसके बाद में मैं काम करता हूं, मुझे देखो BX की जरूरत है, मुझे AX की जरूरत नहीं, मैं क्या करना है, मुझे एक बड़ा ट्राइंगल कंसिडर करना है ना, तो मुझे क्या करना है, AB का रेशियो निकालना पड़ेगा, AB का रेशियो और BX का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास तो यहाँ पे BX है, मेरे पास AX की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है AX की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंटों का यूज करके ना मैं AB का लेंथ निकाल सकता हूँ। ओके, सो AB और BX का रेशियो मुझे मिल जाएगा, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, AB और BX का रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं यही ट्राइंगल कंसिडर करने वाला हूँ, एक ट्राइंगल ABC लेने वाला हूँ और एक ट्राइंगल XBY लेने वाला हूँ, और इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। ओके, यहाँ पर ट्राइंगल मैं बना देता हूँ, देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक है ABC, ये ट्राइंगल लूंगा, और एक जो दूसरा ट्राइंगल है मेरा
ये वाला होने वाला है एक्स बी वाई, ओके ये दो ट्राइंगल में कंसिडर करने वाला हूँ। सो मुझे ए बी और एक्स बी का रेशियो मुझे चाहिए, मेरे पास एक्स वाई का लेंथ है और ए सी का लेंथ मुझे निकालना है, तो मैं ए बी और एक्स बी का रेशियो अगर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे दिया भी वही चीज ना, टू ए एक्स इक्वल टू थ्री बी एक्स दिया गया, तो मैं क्या करूंगा यहां से ए बी का वैल्यू निकालूंगा, ए बी का, ओके ए बी और एक्स बी ये दोनों का रेशियो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, ये गिवन की मदद से, तो इस गिवन का यूज करके मैं ए बी और बी एक्स का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ए एक्स की मुझे जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पर कंपोनेंटो यूज कर लूंगा, कंपोनेंटो में क्या आएगा देखो ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स लिखेंगे, ओके और इक्वल टू सेम यहाँ पे भी वही यूज करो, थ्री प्लस टू अपॉन टू लिखना। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो क्या कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी, तो मैं बोल सकता हूँ बाय कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, बाय कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, ये हो गया कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। तो ए एक्स प्लस बी एक्स देखो ए एक्स और बी एक्स करने से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव अपॉन टू। तो यहाँ पर मैंने एक रेशियो तो निकाल लिया ए बी अपॉन बी एक्स का। अब उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करो, ओके ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो हमारे पास क्या है, एक तो एंगल भी कॉमन एंगल है, एंगल भी जो है कॉमन एंगल है, और एक आप लोग बोल सकते हो कि कोई भी एक और एक एंगल ले लो, एंगल एक्स जो है, ओके यहाँ पे एंगल एक्स सॉरी ऐसा ले लो करस्पोंडिंग एंगल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बी एक्स वाई और बी ए सी ऐसे ले लो, ओके ये एंगल और ये एंगल को आप लोग ले लो, तो एंगल एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कंसीडर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम ले लो आप लोग यहाँ पर ए बी सी एंड ट्राइंगल, ए बी सी ले लिया और एक ट्राइंगल ले लो एक्स बी वाई, एक्स बी वाई, ओके ये दो ट्राइंगल ले ले रहे हम लोग। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे, पहला तो एक कॉमन एंगल बता दो और एक ये एंगल बता देना, तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले एंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल का एंगल कौन सा है बी ए सी, बी ए सी ले लो, बी ए सी कॉन्ग्रेंट आएगा किससे बी एक्स वाई से, आप लोग बता देना कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चाहे तो एक स्टेप इसको अलग से शो करके आप बता सकते हो, मैं लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, क्यों कॉन्ग्रेंट है कि भाई क्योंकि एक्स वाई और ए सी पैरेलल है, और एक्स वाई और ए सी पैरेलल है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है, आप उसके जगह पे एक्स एंड ए के जगह पे ये दोनों भी ले सकते थे, ओके सो ये दोनों हो गया एंगल, और एक कॉमन एंगल ले लो एंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एंगल किससे एक्स बी वाई से, तो ये आपका कॉमन एंगल है, सो यहां पर ये कॉमन एंगल। सो अब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, क्योंकि एंगल एंगल टेस्ट से दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है बच्चों सिमिलर रहेगा किससे ट्राइंगल एक्स बी वाई से, एक्स बी वाई से कौन से टेस्ट से एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हो गया, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके सो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स रहेंगे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो साइड्स कौन से प्रोपोर्शन में लिखोगे, एक तो आपने फाइंड आउट किया ए बी अपॉन एक्स बी, ओके ए बी अपॉन एक्स बी जो है वो इक्वल है किससे इक्वल लिखोगे, आपको कौन से साइड फाइंड आउट करना है ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी अपॉन एक्स वाई लिख देना, ए सी अपॉन एक्स वाई, ये सब चीज तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता रहेगा, यहाँ पे रीजन डाल दो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर ए बी अपॉन एक्स बी का रेशियो आपने निकाला है, ए बी अपॉन एक्स बी मतलब फाइव इज टू टू, तो यहाँ पर मैं ए बी अपॉन एक्स बी की जगह पे फाइव अपॉन टू लिखूंगा इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी का वैल्यू नहीं पता है, ए सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है नाइन दे रखा है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर ए सी मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल्स टू फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन, तो यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाई बाय नाइन करने पे क्या आएगा 45, तो यहाँ पर सीधा 45 लिख देता हूँ मैं, सो ए सी इज इक्वल्स टू 45 अपॉन टू हो जाएगा, ओके तो ए सी इज इक्वल्स टू, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 45 का हाफ करने पे क्या आएगा 22.5 यूनिट्स आ जाएगा, ओके सो यहाँ पर हमने ए सी का लेंथ फाइंड आउट कर लिया, इस तरह से आपको लेंथ निकालना था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सो डेट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ पाएंगे आगे। तो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट वन पे सेकंड सम में क्वेश्चन नंबर थ्री बी का ये थ्योरम है
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका नाम है ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और सप्लीमेंट्री। सो ये थ्योरम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड आई बिलीव दैट इस बार भी हो सकता है एग्जाम में आपको जरूर ये पूछा जाए। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना उसका ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। सो यहाँ पर देखो साइक्लिक क्यों कहते हैं भाई, इस क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इस क्वाड्रिलैटरल के साथ चारों वर्टेक्स सर्कल पे आ रहे हैं, करके इस क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पर हम लोग लिखे भी ऑलरेडी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। सो अगर ये साइक्लिक है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए भाई, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आना चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री आना चाहिए। ओके सो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर कोई आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं। सिंपली हम लोग देखो, आपने इंस्क्राइड एंगल और इंटरसेप्टेड आर के बारे में सीखा होगा। ओके सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखो ए और सी को हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री प्रूफ करेंगे। ओके और जो दूसरा वाला बी और डी उसको हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं। जैसे आपने ए और सी को सप्लीमेंट्री प्रूफ किया, ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लाया, वैसे एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री आ जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या करो, ये दोनों एंगल को आप लोग कंसिडर करो, एक बार इस एंगल को इंस्क्राइब करना और इस एंगल के सामने जो आर करेगा उसको इंटरसेप्टेड आर करना, फिर उल्टा करना, फिर यहाँ से जो एंगल दिख रहा है इसको इंस्क्राइब बनाना और इसके सामने जो आर करेगा इंटरसेप्टेड आर करेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ओके साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपको दे रखा है। ओके फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या लिखोगे, कंसिडर एंगल बी ए डी इज एन इंस्क्राइड एंगल एंड आर बी सी डी इज एन इंटरसेप्टेड आर। कंसिडर मैं क्या बोलूंगा, कंसिडर एंगल बी ए डी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके इंस्क्राइब्ड एंगल एंड बी ए डी को आपने इंस्क्राइब्ड एंगल लिखा है एंड आर्क बी सी डी एंड आर्क बी सी डी इज एन इंटरसेप्टेड आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क। सो इंस्क्राइड एंगल थ्योरम यहाँ पे लगा दो, इंस्क्राइड एंगल थ्योरम क्या कहते हैं, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे मेजर ऑफ एंगल बी ए बी ए डी, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी सी डी। ओके ये क्या नाम है भाई, क्या रीजन दोगे, इंस्क्राइड एंगल थ्योरम यहाँ पे लिखोगे। ओके यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके ये हो गया, इसको आप लोग यहां पर बोल सकते हो। अब देखो इसको नंबर वन दे देना। ऑल्सो मैं क्या बोलूंगा, कंसीडर सेम। अब देखो यहां पर एंगल बी सी डी, अब ये यहां पे देखो एक एंगल दिख रहा है बी सी डी, इसको आप लोग इंस्क्राइब्ड एंगल पकड़ना और उसके सामने जो आर्क है उसको इंटरसेप्टेड आर्क ले लेना। ऑल्सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसिडर एंगल बी सी डी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड आर्क बी सी डी को इंस्क्राइब्ड एंगल पकड़ा और आर्क बी ए डी एंड आर्क बी ए डी इज एन इंटरसेप्टेड आर्क। ये हो गया। अब इसके बाद देखो therefore हम लोग यहां पर लिखेंगे therefore मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी ए डी। ओके यहां पर सेम रीजन आएगा बच्चों, यहां पर डॉट 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 करके हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके ये है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको आप लोग क्या करना है, इसको नंबर टू दे देना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद में हम लोग वन एंड टू को दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। सो वन एंड टू को हम लोग ऐड करने वाले हैं। सो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करो तो क्या आएगा, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी। तो यहाँ पर लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड की तरफ ऐड करो,
देखो यहाँ पर हाफ दोनों के तरफ है, तो मैं हाफ को ना कॉमन ले लेता हूँ, सीधा हाफ को कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मेजर ऑफ आर्क बी सी डी, ओके मेजर ऑफ आर्क बी सी डी, और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस करके लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क बी ए डी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी कंप्लीट। सो यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, बी ए डी और बी सी डी, हमें ये जो है ना इसको तो हाइड्रोडी सटना, और राइट साइड में हम लोग 180 डिग्री लेकर आना है, तो ही जाकर हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। बी ए डी का मतलब एंगल है और बी सी डी का मतलब एंगल सी, तो ये दोनों को हाइड्रोडी सटना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, देखो अब यहां पर जो है हाफ को मैं हाइड्रोडी सट कर रहा हूं हाफ, अब आर्क बी सी डी और आर्क बी ए डी ये दोनों आर्क को अगर मैं प्लस करूं तो एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म होता है कि नहीं, सही है कि नहीं। सो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ये दोनों आर्क क्या फॉर्म कर रहा है, कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है जो कि 360 डिग्री का होता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ओके, और यहाँ पे रीजन दे देना मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, ओके। तो ये आपका रीजन हो गया, यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो यहां पर आप सीधा क्या बोलोगे, मेजर ऑफ एंगल, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 360, कितना लिखोगे 180 डिग्री। सो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया सीधा 180 डिग्री, और डेट इज करके चाहिए तो आप लोग सिंगल लेटर में भी लिख सकते हैं जो आपको बोला गया था, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बचा हुआ दूसरा, तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली, ओके, सेम टू सेम मेथड होगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव द, वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूफ कर सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल डी बी जो है 180 डिग्री हो सकता है, ओके। तो ये था भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही इजी सिंपल थ्योरम है, 4 मार्क आपको ऐसी आसानी से मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, और फिर अभी सम को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो डैट हम लोग अगले सम की तरफ फिर जा सके। तो आइए बच्चों अभी ये थर्ड सम है क्वेश्चन नंबर 3B का, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और ये कंस्ट्रक्शन भी इजी है, मैं आपको जैसे समझाता हूँ वैसे स्टेप्स को आप लोग फॉलो करना। आपको क्या बोला गया है भाई, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, और ट्राइंगल एबीसी के साइड्स दिए गए, जैसे एबीसी के ए बी है 5.4, बीसी है 4.2, एसी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ट्राइंगल एबीसी का तीनों साइड आपको दे रखा है, आपको रेशियो भी दिया गया है, एबी अपॉन पीक्यू का रेशियो 3:2 है, आपको बोला गया है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, ये तो ट्राइंगल ऐसे आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल एबीसी के हमें तीनों साइड पता है, पर ट्राइंगल पीक्यूआर के साइड्स नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्राइंगल पीक्यूआर के साइड्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो गिवन दिया गया उसको लिखना पड़ेगा, गिवन में क्या बोला गया है भाई, ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल पीक्यूआर से, तो यहाँ पर मैं गिवन में लिख दूंगा ये दोनों सिमिलर है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है तो दोनों ट्राइंगल के जो साइड है बच्चों प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शन में लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू, देखो आपको आता है ना ए बी, पहला दो लेटर यहाँ से लिया, फिर दो लेटर यहाँ से लिया, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा दो लेटर को ले रहा हूँ, फिर यहाँ से भी दूसरा और तीसरा दो लेटर को, फिर इज इक्वल्स टू आप पहला और तीसरा लेटर को लूंगा, पहला और तीसरा यहाँ से भी पहला और तीसरा, तो ए सी अपॉन पी आर, ओके। तो यहाँ पर आपको बोल सकते हो कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स है ना बच्चों प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ओके। और यहाँ पर आपको ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो भी दिया गया, तो वो भी आप लोग लिख लो 3:2, मतलब 3:2, यहाँ पे रीजन में आप लोग बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब नेक्स्ट वन में हमें जिसका वैल्यू पता है, जैसे कि ए बी का वैल्यू पता है बी सी का और ए सी का, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ, ए बी का वैल्यू कितना है भाई 5.4, और अपॉन में क्या लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू, बी सी का वैल्यू कितना है 4.2 और अपॉन में क्यू आर, और ए सी का वैल्यू कितना है 6 है तो और अपॉन में पी आर, और इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 3:2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, देखो हमें पी क्यू क्यू आर और पी आर सब फाइंड आउट करना है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नाउ करके हम लोग बोलेंगे
5.4 अपॉन PQ इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 लेंगे, क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल है, तो इनमें से कोई भी दो हम लोग इक्वल ले सकते हैं। तो कौन से दो को फिलहाल इक्वल लेंगे, ये और इसको, ये दोनों को इक्वल लेंगे। ओके, सो नाउ हम लोग बोलेंगे 5.4 अपॉन PQ जो है वो इक्वल है 3 अपॉन 2 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो PQ मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, PQ इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन यहाँ पे 3 कर लेंगे। सो 3 के टेबल में देखो 18 3 जा 54 आता है, मतलब 3 1 जा 3 1.8 सा करोगे तो। सो PQ का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा भाई, 2 8 जा 16 1 कैरी 2 1 जा 2 3, तो 3.6 आ गया। 3.6 आप लोग क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। ओके, तो PQ आपको मिल गया यहाँ पर, उसी तरह ऑल्सो करके लिखना ऑल्सो। नेक्स्ट अब देखो इसको ले लो, 4.2 अपॉन QR इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 ले लो। ओके, सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, देखो QR मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 2 हो जाएगा। सो QR इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 आना चाहिए। तो 14 3 जा आता है ना, तो QR इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1000 और यहाँ पे 1.4 लिखो, तो 1.4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2.8 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका यहाँ पर मिल गया QR भी। सो ये QR भी मिल गया, PQ भी मिल गया। ऑल्सो मैं यहाँ पर और एक ले लेता हूँ ऑल्सो। अब देखो थर्ड वन, 6 अपॉन PR, ओके 6 अपॉन PR इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, तो 6 अपॉन PR इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 ले लेते। सो PR मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। सो PR इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 इंटू 2 अपॉन 3, मतलब 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4। तो PR इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपने PQ QR और PR सब ढूंढ लिया, PQ QR और PR ये तीनों आपने ढूंढ लिया। अब आपको क्या करना है भाई, दो ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग क्या करना, स्केल और कंपास की मदद से आप लोग ड्रॉ कर लेना। तो मैं यहाँ पर रफली, ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ट्राइंगल ABC का आपको पूरा तीनों साइड पता है, तो यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर लेना। मैं रफली इस तरह से बना देता हूँ, आपको तो पता ही होगा, आता रहेगा ये ड्रॉ करने के लिए। तो ये है आपका ABC यहाँ पर, और दूसरा जो है PQR। तो ABC हमने बना लिया और ये PQR बना लिया, ये आपका ट्राइंगल क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल आपको ऐसे सेपरेटली ड्रॉ करना है। ABC में AB का वैल्यू था 5.4 सेंटीमीटर, फिर BC का वैल्यू था 4.2 सेंटीमीटर नेक्स्ट, और AC का वैल्यू था वो था 6 सेंटीमीटर। PQR में देखो आपको PQ का वैल्यू क्या मिला, 3.6 सेंटीमीटर, फिर QR का वैल्यू मिला 2.8 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू मिला 4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, स्केल और कंपास की मदद से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये आप लोग 6-7 क्लास से आप लोग ये सब सीखते आ रहे हो, तो उम्मीद है कि आप लोग ये ड्रॉ कर लोगे। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया किस तरह से इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ आप लोग निकालोगे। तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3B का फोर्थ सम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा। क्या बोला गया है, शो दैट tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। ओके, ये भी आपका एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी ये भी है, आपको यहाँ पर 3 मार्क मिल जाएंगे अगर आप परफेक्ट सॉल्व करोगे। तो देखो कभी भी हमने सीखा है कि ना, जो tan रहता है या फिर cot रहता है ना, उसको हमेशा sin एंड cos में बदल देना चाहिए। ओके, और ये तो आपने एक आइडेंटिटी सीखा रहेगा, एकता sec, आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपने सीखा है sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो एकता sec ऐसे याद रख सकते हैं, और ये 1 प्लस cot को फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, tan का फॉर्मूला sin एंड cos में करना, cos का फॉर्मूला cot का फॉर्मूला cos एंड sin में बदल देना। सो यहां पर मैं tan को मैं लिख देता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर ये जो अपॉन वाला है इसको अपॉन में पुट करते हैं, 1 प्लस tan, 1 प्लस tan का हमें फॉर्मूला पता है sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पर मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर a है, एंगल क्या है a, यहां पर सबको a से बदल दो, यहां पर थीटा नहीं लेना है, यहां पर a, तो sin a अपॉन cos a, यहां पर हम लोग लिखेंगे sin a अपॉन
कॉस ए, इस तरह से ओके। हाँ आगे सेक स्क्वायर ए लिखा और उसका भी स्क्वायर है, द होल स्क्वायर है, याद रखो अच्छे से, वन प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए आया, लेकिन उसका भी द होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। अब कॉट ए बोला गया, कॉट ए बोला गया तो कॉट का कॉस और साइन में बदलो, तो कॉस ए अपॉन यहां पर मैं लिखूंगा साइन ए, फिर अपॉन पुट करेंगे एक वन प्लस कॉट, एक कोको वाला फॉर्मूला, इसको कोको बोलेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस ए स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं यहां पर कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा कॉस ए स्क्वायर ए, तो कॉस ए स्क्वायर ए और उसका द होल स्क्वायर करना है ओके। सो जो भी फॉर्मूला आपने लिखा है वहां पर लिख देना, क्या क्या आपने फॉर्मूला बताया यहाँ पर उसको लिखो। आपने टेन थीटा का लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ओके, और आपने लिखा है कॉट थीटा का इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके अलावा ये भी दो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे बता देना ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करो, आपने सेक स्क्वायर ए है ओके, आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए, इसको आप लोग क्या करो ना कॉस में बदल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे साइन ए है अपॉन में कॉस ए है ओके, ये आप लोग समझ सकते हो डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, इस तरह से ओके। साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या अपॉन मतलब डिवाइड, डिवाइड किसके साथ है sec square a the whole square के साथ में, वैसे यहां पर भी है प्लस प्लस cos a upon sin a, मैं डायरेक्टली नहीं लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा आपको समझना चाहिए इसलिए मैं आपको फुल फॉर्म में बता रहा हूँ कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह आप लोग कंसिडर करो, ये जो अपॉन है ना उसको आप लोग डिवाइड बना लो, डिवाइड क्या लिखेंगे cos a square a the whole square। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, डिवाइड को ना मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो साइन ए अपॉन क्या होएगा कॉस ए, और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा इसको, ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई ये आप लोग इन्वर्स कर दोगे, मतलब सेक स्क्वायर ए का आप क्या हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ओके, और द होल स्क्वायर उसका वन अपॉन सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर लग जाएगा ओके। यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर प्लस साइन, प्लस साइन यहाँ पे लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको भी आप लोग अच्छे से लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर इसको भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी इनवर्स हो जाएगा, इनवर्ट एंड इसका कर दो ओके, तो यहाँ पे भी वन अपॉन लग जाएगा, वन अपॉन में लिखूंगा कॉस ए स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया। क्या किया, खाली डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया। देखो स्टेप थोड़े बड़े हो रहे हैं बट शॉर्टकट मेथड में आपको नहीं समझा रहा हूँ ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर ना हमें प्रूफ क्या करना, साइन ए और कॉस ए, साइन ए के और कॉस ए के तरफ में आपको ध्यान देना है, तो ये कॉस को हटाना पड़ेगा यहाँ से ओके, कॉस को जो डिनोमिनेटर में है ना वो हटा दो, मुझे खाली साइन ए और कॉस ए चाहिए ना, तो मैं क्या लिखूंगा देखो साइन ए अपॉन कॉस ए है ना, यहाँ से मैं चेंज करने वाला हूँ वन अपॉन सेक थीटा, आपने पढ़ा है कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने सीखा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा होता है, और आपने साइन थीटा भी सीखा, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ये सीखा आपने, तो मैं क्या करूंगा वन अपॉन सेक थीटा की जगह पे कॉस थीटा ही लिखूंगा ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है भाई स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब एंगल ए ओके, और उसका तो होल स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर है ना यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा है तो वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए द होल स्क्वायर कर दिया, सेम यहाँ पर भी वैसे में करने वाला हूँ प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक का क्या होगा देखो वन अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा होगा, लेकिन अगर स्क्वायर है ना तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये कॉस और एक यहां से कॉस कट हो जाएगा, देखो स्टेप में चाहिए तो मैं बढ़ा रहा हूं कोई जो टेंशन लेने की बात नहीं है, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये स्क्वायर, मतलब कॉस फोर हो जाएगा, सही है कि नहीं कॉस फोर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉस फोर ए चाहिए तो लिख सकते हैं, फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखो, अब देखो एक एक कॉस कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा कॉस ए अपॉन साइन ए,
बुक में देखो आपको डायरेक्ट मेथड में दिया जाएगा डायरेक्टली, बहुत बच्चों को डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, उसलिए मैं आपको पूरा स्टेप में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो साइन रेस टू फोर ए, ओके, इस तरह से। डायरेक्टली तो हम भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब देखो यहाँ से देखो कॉस ए और यहाँ से कॉस फोर ए, यहाँ पे साइन है और यहाँ से साइन रेस टू फोर ए, एक एक कॉस एक एक साइन दोनों तरफ से कट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस एक एक कट कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्री बच जाएगा, यहाँ पे भी साइन एक एक कट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी थ्री बच जाएगा। सो देखो साइन ए इंटू कॉस क्यूब ऐसे हो रहा है आपका, साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए और कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए बच रहा है। अब क्या करो, इन दोनों में से देखो, इन दोनों पार्ट में से जो कॉमन ले सकते हैं हम लोग उसको कॉमन लेंगे। साइन ए यहाँ पर है और कॉस क्यूब ए है, यहाँ पे कॉस ए है और साइन क्यूब ए, मैं क्या कर सकता हूँ साइन ए कॉस ए दोनों तरफ से कॉमन लेता हूँ, इसमें से साइन ए कॉस ए और यहाँ से भी साइन ए कॉस ए में कॉमन लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसके बाद मैं कॉमन क्या लिया, साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, साइन ए इंटू कॉस ए को मैंने कॉमन लिया, साइन ए और कॉस ए यहाँ पे कॉमन लिया। अब देखो यहाँ से साइन ए तो बाहर चला गया और कॉस क्यूब ए में से कॉस ए बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर लिख दो क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए बच रहा है। ओके, कॉस स्क्वायर ए बच रहा है, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब कॉस ए और साइन क्यूब ए में से देखो कॉस ए तो बाहर चला गया और साइन क्यूब ए में से साइन बाहर चला गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बचा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखो आंसर आने वाला है आपका, आंसर आ ही चुका है आपका यहाँ पर। अब साइन ए इंटू कॉस ए बचा, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, और देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए आपने सीखा है भाई, एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। ओके, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। सो फाइनली हम लोग बोलेंगे इक्वल्स टू आर एच एस। ओके, तो इस तरह से आपको इसका प्रूफ करना था, लंबा सा प्रूफ है, आपको बुक में तो ऐसे शॉर्टकट में दिया जाएगा, बट मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सो फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो, आई होप आपको समझ भी आया रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं, जहां पर आपको बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू एट मार्क के लिए बोला गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, पॉइंट पी जो है मिड पॉइंट है किसका, डीसी का, और बोला गया है कि सेगमेंट बीपी इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल एसी को एट पॉइंट एक्स पर, और साथ ही साथ में शो करने बोला है टू प्रूफ थ्री टाइम्स ऑफ एएक्स, अगर एएक्स का मैं थ्री टाइम्स करूं तो वो डबल मिलना चाहिए किसका, एसी का। ओके, एएक्स का अगर थ्री टाइम्स करूं तो एसी का डबल मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। उसके लिए देखो आपको ये प्रूफ करने के लिए ना आपको ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, ओके, तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप लिखेंगे, देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ये आपको देख कर रखा है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल रहेंगे, तो उसी से रिलेटेड हम लोग ऑपोजिट साइड यूज कर लेते हैं। फिलहाल एडी और बीसी की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है एबी और डीसी की, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, डीसी से। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये दो ट्राइंगल कंसिडर करो, इन दोनों ट्राइंगल में आप लोग एंगल एंगल टेस्ट तो इजिली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलो कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके, क्योंकि एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है और एक वर्टिकली आप लोग ले लो, यहाँ पे हो गया एंगल एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर इन ट्राइंगल ए ए एक्स बी, ऐसे ले लो ए एक्स बी एंड ट्राइंगल सी एक्स पी, सी एक्स पी। ओके, एक अल्टरनेट एंगल बता दो, क्या एक अल्टरनेट एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी सॉरी ऐसा बताओ बी ए एक्स और पी सी एक्स, ये अल्टरनेट एंगल आएगा। ओके, सो हम लोग बोलेंगे एंगल बी ए एक्स जो है वो कॉन्ग्रेंट हो रहा है, किससे कॉन्ग्रेंट हो रहा है, एंगल पी सी एक्स से। ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा अल्टरनेट एंगल। सो ये है अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट, और एक आपको एंगल चाहिए तो एंगल आप लोग बता दो, एंगल ए एक्स बी और एंगल सी एक्स बी कॉन्ग्रेंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी एक्स पी, इधर आप लोग रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हो गया आपका। ओके,
दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, सो देयरफॉर मैं लिखूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है. देयरफॉर ट्रायंगल AXB सिमिलर टू ट्रायंगल CXB. कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है? एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में आएंगे. अब हमें कौन से करस्पॉन्डिंग साइड की जरूरत है? देखो, हम लोग AX और CX लेंगे और AB और यहाँ पे PC लेंगे. ओके, तो हम लोग लिखेंगे AX अपॉन CX. ओके, AX अपॉन CX इज इक्वल्स टू AB अपॉन हम लोग लेंगे CP. ओके, इस तरह से रीजन में आप लोग चाहिए तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप लोग दे सकते हैं. नेक्स्ट वन देखो, हमें जरूरत क्या, हमें थ्री टाइम्स ऑफ AX की जरूरत है. CX की जरूरत है क्या? नहीं, CX की जरूरत हमें नहीं है. हम लोग और एक चीज यहाँ पे देखो, हमारे पास AB और ये CP है. AB के जगह पर हम लोग 3CP लिख सकते हैं. AB को हम लोग CP से हम लोग चेंज कर सकते हैं. AB जो है वो डबल है CP का, तो AB के जगह पे हम लोग डबल ऑफ CP लिख लेंगे. सो CX और AB दोनों को हम लोग चेंज करेंगे. ओके, सो बट हम लोग क्या बोलेंगे, बट जो CX है ना, CX कैसे मिलेगा? अगर मैं AC में से AX को निकाल दूं, बट हम लोग बोलेंगे CX जो रहेगा ना वो इक्वल आएगा किससे? AC माइनस AX करने पे, क्योंकि ये क्या है, A डैश X डैश C है. ओके, वो लीनियर है. एंड एंड आप लोग बोलोगे जो AB है, AB जो है वो CP का डबल है. ओके, क्योंकि AB और DC इक्वल है, AB जो है वो डबल है किसका, CP का. क्योंकि क्योंकि AB और यहाँ पे बोल सकते हो AB जो है वो इक्वल है रीजन में, क्योंकि AB जो इक्वल है CD से एंड पॉइंट P मिड पॉइंट है, एंड पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है. ओके, ये रीजन आपने ही पे दे दिया. तो करके लिए आप लोग ये जो है सीधा आप लोग क्या करोगे, इस स्टेप में यूज कर लोगे. ओके, तो अब सीधा ये स्टेप को यहाँ पर लिख रहा हूँ. अब देखो AX को, AX को मैं AX ही रहने देता हूँ. AX जो है, CX जो है उसको मैं AC अपॉन AX कर देता हूँ. ओके, AC माइनस AX कर देता हूँ इज इक्वल्स टू ये जो AB है, AB AB को मैं डबल लिख देता हूँ CP से. ओके, और अपॉन में CP है, तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, CP CP यहाँ से कट हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा. ओके, तो मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ AX इज इक्वल्स टू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपॉन 1 समझो, AX इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ AC माइनस AX, तो 2 टाइम्स ऑफ AC माइनस AX हो जाएगा. तो फाइनली मुझे मिलेगा AX इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ AC माइनस 2 टाइम्स ऑफ AX. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये माइनस 2X को भी यहाँ पर ले लो, तो AX माइनस 2X यहाँ पे आया तो प्लस 2X हो जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ AC बचेगा. अब देखो आप जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर पहुंच चुके. AX का मतलब 1X और 2X मिल जाएंगे तो क्या आएगा, 3X हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा. तो ये फाइनली आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ. ओके, सो इस तरह से इसको प्रूफ करना था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों. हो सकता है देखो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि बोर्ड के पेपर से, प्रीवियस बोर्ड के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आने के चांसेस बन सकता है. तो यहाँ पर इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम की तरफ में पहुंच गए हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक सर्कल है, उस सर्कल का 2 टेंजेंट है AB और AD, 2 टेंजेंट है, और आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो रेडियस है, ओके, BC और CD क्या है, यहाँ पर रेडियस दे रखा है. आपको बोला गया है कि प्रूफ करके बताओ जो एंगल A है ना वो हाफ होना चाहिए किसका, मेजर ऑफ आर्क BYD का और मेजर ऑफ आर्क BXD का. मतलब दोनों को अगर माइनस करूँ, हाफ ऑफ BYD और BXD करूँ ना, तो मुझे एंगल A का मेजर आना चाहिए. चलो हम लोग यहाँ पर प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. सो प्रूफ में देखो आपको बोला गया है कि AB और AD जो है ये दोनों टेंजेंट है. ओके, सो AB जो है ये परपेंडिकुलर होगा किसको, BC से. AB जो है परपेंडिकुलर होगा BC से, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. और AD जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा किसको, CD से. ओके, सो यहाँ पर भी ये एंगल आपका 90 डिग्री मिल गया. अब आप लोग क्या करो, ये क्वाड्रिलेटरल को कंसिडर करो. नाउ कंसिडर
इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी को कंसिडर करते हैं, यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री आएगा। ओके, पूरा क्वाड्रिलेटरल को मैं प्लस करूँ तो, सो यहाँ पर अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो यहाँ पर एंगल ए को हैजर्ड इस रखो, एंगल बी का आपको मेजर पता है 90 और एंगल सी को भी हैजर्ड इस रखो, एंगल डी का मेजर आपको पता है 90 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। सो यहाँ पर आप लोग रीजन लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 90-90 कितना हो जाएगा 180, तो 360 माइनस 180 जो कि 180 डिग्री बचेगा। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल सी का मेजर तो मैंने निकाल लिया 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी का मेजर मैंने क्या निकाल लिया, 180 डिग्री मुझे मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए प्लस, देखो एंगल सी जो है ना, एंगल सी का मतलब क्या होता है, एंगल बी सी डी, तो मैं यहाँ पर एंगल बी सी डी लिख दूंगा और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल जो बी सी डी है ना, एंगल बी सी डी, क्या ये एंगल बी सी डी इक्वल होता है कि एंगल बी एक्स डी से, क्योंकि एंगल बी सी डी एक सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल जो है अपने करस्पॉन्डिंग आर्क के मेजर से हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है। तो हम लोग यहाँ पर एंगल ए प्लस बी सी डी के जगह पर ना हम लोग क्या लिख देंगे, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी लिख देंगे और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर 180 डिग्री आएगा। ओके, 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर देखो, एंगल ए प्लस मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी इक्वल्स टू 180 डिग्री मिला, मुझे चाहिए क्या, मुझे एंगल ए इक्वल्स टू हाफ चाहिए, हाफ चाहिए। ओके, हाफ लाना है, एक काम करते मैं ना सब जगह पे ना 2 से मैं ये कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, 2 की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए और यहाँ पर भी आएगा 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पे आप लोग रीजन में लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय टू ऑन बोथ साइड। ओके, ये रीजन में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी इक्वल्स टू 360 डिग्री आ रहा है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे बी एक्स डी मिला है ना, मुझे यहाँ पे बी एक्स डी की जरूरत है, एंगल ए की भी जरूरत है, मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी लाना है। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। देखो बहुत ही ईजी है, ये जो 360 है ना, 360 देखो 360 कैसे मिलेगा, बी एक्स डी और बी वाई डी को अगर मैं प्लस करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बट अगर मैं मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, देखो मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी और मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी को जोड़ता हूँ, बट मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी और मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी को जोड़ता हूँ तो 360 डिग्री मिलता है। ओके, कंप्लीट सर्कल होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, इसको अभी यहाँ पे बी एक्स डी और बी वाई डी जो है ना वो 360 डिग्री की जगह पर लिख दूंगा। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी जो है वो इक्वल है, किससे इक्वल है, आर्क बी एक्स डी प्लस आर्क बी वाई डी से। ओके, सो इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा मेजर ऑफ आर्क, ये 360 डिग्री की जगह पर ये लिख दे रहा हूँ, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी। ओके, हमने ये लिख दिया। अब देखो ये 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी को भी उधर ले लो, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एंगल ए चाहिए लेफ्ट साइड में, तो एंगल ए को रखेंगे बाद में 2 को भी वहां पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अब ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए को यहाँ पर रख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए यहीं पे रहेगा इज इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी को राइट साइड में लेके जाओ, तो क्या बचेगा, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी ये लिख रहा हूँ। ओके, मेजर ऑफ बी एक्स डी लिख रहे हैं, फिर ये जो 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी जाएगा तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये प्लस 2 उधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए लिखा,
फिर मेजर ऑफ आर्क बी एफ जी लिखा मैंने यहाँ पर, ये टू उधर जाने के बाद इसी से सब्ट्रैक्ट होने वाले, इसलिए मैं ये प्लस टू मेजर ऑफ आर्क बी एफ जी को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस टू मेजर ऑफ आर्क बी एफ जी, और लास्ट में ये बचेगा प्लस करके, प्लस मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी बच रहा है, प्लस मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी। देखो अभी ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर टू एंगल ए आ रहा है, टू एंगल है, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी में से मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी, टू टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में आएगा, बरोबर ना। तो एक काम करते मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी पहले लिख लेते, मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी आएगा। देखो हमें यही चाहिए भी था, यही चाहिए ना हमें, ओके बी वाई डी में से बी एक्स डी आना चाहिए, बी वाई डी और बी एक्स डी आना चाहिए। अब देखो यहाँ से टू अगर यहाँ पे डाल दोगे तो आ गया आपको आंसर, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू, ये टू को इधर भेज दो तो हाफ ऑफ फाइनली आंसर आ गया, मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। ओके दिखने पे थोड़ा सा भारी सम दिख रहा था बट आसान सा सम है, इस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आया रहेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, ओके तो ये हो चुका है प्रूव्ड, फटाफट आप लोग इसका नोट डाउन कर लो बच्चों, सो डेट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ पे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड सम देख लेते हैं, ये भी चार मार्क का क्वेश्चन है। ये आपको बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो आपको पता है ना सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, मीडियन जब ड्रॉ करते हैं तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ओके सो आपको बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ओके तो यहाँ पर हमने सेंट्रॉइड को जी करके रिप्रेजेंट किया और उसका कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई रखा गया है, और बोला गया है कि जो पॉइंट डी, पॉइंट टी और पॉइंट एफ, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन है ना भाई, ए बी एफ और सी डी ये सब क्या है, मीडियन है, मीडियन है करके लिए तो पॉइंट जी सेंट्रॉइड हुआ ना, तो मीडियन का मीडियन है तो पॉइंट डी, पॉइंट टी और पॉइंट एफ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ओके और आपको बोला गया है कि भाई सेंट्रॉइड का फिर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री करना होता है, और वाई निकालना रहेगा तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री करना है। ओके तो ये आपको सेंट्रॉइड के लिए पता है, ये आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे एक्स वन वाई, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, देखो ए को हम लोग ना एक्स वन और y1 कंसिडर करेंगे, x1 y1, जो b है उसको हम लोग x2 और y2 कंसिडर करेंगे, x2 और y2, और जो c है वो x3 और y3 होगा हमारा। ओके सो यहाँ पर हमने ये कंसिडर कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। ओके सो ये लिख लेना, लेट a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 आर द वर्टाइसेस, लेट a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices दिया गया आपको, पॉइंट d, पॉइंट e, पॉइंट f, ये सबका कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ओके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ओके देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को क्या आता है, x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके तो x इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट d क्या है भाई, x कॉमा y है। ओके ऐसा मान लो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिखेंगे, और y जो है, ओके y जो इसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, पॉइंट d इज द मिड पॉइंट, y equals to y1 plus y2 upon 2। इसके पहले आप लोग लाइन लिख सकते हैं, पॉइंट डी इज अ मिड पॉइंट। ओके सो पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस सेवन, तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ माइनस सेवन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 upon 2, और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट डी का सिक्स है, तो सिक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, y1 प्लस y2 upon 2। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 2 अगर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सेवन से, तो देयरफॉर मुझे मिल जाएगा x1 प्लस x2 equals to minus 14 मिल जाएगा। ओके इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर नंबर वन करके रख लेता हूँ, और ये जो है 6 से अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे y1 plus y2 भी मिल जाएगा, y1 plus y2 कितना मिल जाएगा 12। ओके
इसको भी मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ये नंबर टू करके रख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू मिल गया ऑल्सो। ओके, यहाँ पर एक लाइन खाली लिख देना, पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी आप लोग लिख रहे पॉइंट ई, पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, सो अगेन हम लोग यूज करें बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, पहला वाला मैं छूट गया, वहां पर नहीं लिखा मैंने, आप लोग लिख देना। एक खाली ये लाइन लिखना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन यहाँ पर देखो सेम, x इज इक्वल्स टू x2 + x3 लिखो ना, x2 + x3/2, और y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये y है, y2 + y3/2, y2 + y3/2। सो नेक्स्ट, x के जगह पर देखो, x के जगह पर इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट पुट कर दो 8, x के जगह पर मैं 8 पुट कर रहा हूँ, और x2 + x3/2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, x2 + x3 क्या मिलेगा, x2 + x3 = 16 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर और एक इक्वेशन मिल गया, इसको नंबर में 3 दे देता हूँ। फिर यहाँ पर आप लोग ये y के जगह पर वैल्यू पुट कर दो, y के जगह पर 5 पुट करेंगे, 5 = y2 + y3/2। सो फाइनली मुझे यहाँ पर मिल गया, देयरफॉर y2 + y3 = दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया, 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पर और एक इक्वेशन मिल गया नंबर 4। बस यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और एक 5, 6 भी ले लेगा अभी F, हम लोग इसको रफ कर देता हूँ। सो मैं बोलूंगा ऑल्सो पॉइंट F इज द मिड पॉइंट, पॉइंट F क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट F किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है AC का। ओके, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, देयरफॉर By using mid point formula, क्या है mid point formula भाई? Same यहाँ पर लगाओ, x equals to क्या आएगा? x equals to x1 + x3 हम लोग लिखेंगे, x1 + x3/2, और y is equals to हम लोग लिखेंगे, y is equals to क्या लिखेंगे, y1 + y3/2। ओके, तो यहाँ पे x क्या आएगा, देखो x के जगह पे 2 पुट कर दो, 2 = x1 + x3/2। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर x1 + x3 = क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये एक नया इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग नंबर 5 देंगे। अभी ये y के जगह पे आप लोग पुट करना -2, यहाँ पे -2। ओके, सो -2 लिखेंगे इक्वल्स टू y1 + y2/2। तो फाइनली मुझे therefore करके मैं क्या लिखूंगा, y1 + y2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो -4 आएगा। सो यहाँ पर और एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब देखो सबको जोड़ लो, हम लोग किसको जोड़ेंगे, x को x के साथ जोड़ो, y को y के साथ जोड़ो। ओके, सो x को x के साथ जोड़ेंगे तो कौन कौन से इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, एडिंग x वाला कहाँ पे, 1 में है 3 में है और 5 में, तो एडिंग इक्वेशन 1, 3 and 5। ओके, 1, 3 and 5 को ऐड कर रहे, सो 1 क्या है भाई, x1 + x2 है, 3 क्या है, x2 + x3 है, फिर 5 क्या है, x1 + x3 है। ओके, इन सबको मैं ऐड किया तो यहां पर क्या आएगा, देखो -14 + 16 लिख देता हूं, -14 + 16, और लास्ट में क्या बच रहा है, +4। सो ये सबका वैल्यू क्या आएगा, -14 + 16 करने पे 2 और 2 + 4 करने पे 6। अब देखो कितना x1 है, यहाँ पे 2x1 है, तो यहाँ पर लिखो therefore 2x1 + x2 कितना है, 2x2 है, और x3 कितना है, 2x3। ये सबको सॉल्व किया तो यहाँ पे -14 + 16 करने पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 + 4 करने पे 6 आएगा। अब यह सबको 2 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x1 + x2 + x3 = 6। ये 2 को उधर भेज दोगे तो therefore x1 + x2 + x3 = 6/2, मतलब क्या आ रहा है आपका, 3 आ जा रहा है। ओके, सो फाइनली मुझे x1 + x2 + x3 कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, x1 + x2 + x3 क्या मिल रहा है, 3। सो ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो अभी एडिंग करो, और एक ऐड करना है, y को ऐड करना बाकी, अभी तो आपने x को ऐड किया। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन अब कौन सा ऐड करोगे, 2, 4। ओके,
टू को आप ऐड करो, ये है आपका टू, ओके टू को, फिर यहाँ पे फोर है और सिक्स, एडिंग इक्वेशन टू फोर एंड सिक्स, ओके टू फोर और सिक्स को ऐड करो, तो टू क्या है देखो जरा, वाई वन प्लस वाई टू, ओके वाई वन प्लस वाई टू, फिर वाई टू प्लस वाई थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री, फिर प्लस यहाँ पे वाई वन प्लस वाई टू अगेन आ रहा है, वाई वन प्लस वाई टू, देखो इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, ट्वेल्व टेन और माइनस फोर, सो मैं लिखूंगा ट्वेल्व प्लस 10 और माइनस 4 आ रहा है, ओके सो यहां पर भी वही होएगा, 2y1 होगा, 2y2 होगा और 2y3 होगा, इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10 करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 22, 22 में से 4 गया तो 18 आएगा, ओके अब 2 को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और इज इक्वल्स टू 18, नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, y1 प्लस y2 plus y3 equals to 18 upon 2, मतलब क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ओके सो यहाँ पे आपने y1 plus y2 plus y3 भी निकाल लिया, फाइनली आप लोग क्या करोगे, सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके नाउ बाय यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, ओके सेंट्रोइड फॉर्मूला का आप लोग यूज कर रहे हो, सो सेंट्रोइड फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, तो क्या आ जाएगा देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ रहा है 3, 3 आ रहा है तो 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 1, ओके और सिमिलरली y का क्या आएगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ओके तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है 9, तो यहां पर लिखेंगे 9 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या आएगा 3, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आएगा और यहां पर x का क्या वैल्यू आएगा 1, ओके सो फाइनली हमें मिल गया देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, यहां पर मैं लिख देता हूं जगह नहीं है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज क्या आएगा 1,3, 1,3, ओके सो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन आपका, इसका आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर, फाइनली ये कंप्लीट हो गया, सो ये टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, नहीं समझा तो आप लोग रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो फटाफट ये सॉल्व कर लो बच्चों, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में फिर जाते हैं, सो बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहां पर आपको बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी वन 3 मार्क के लिए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या कहा गया, इफ ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर एंड ए इज ग्रेटर देन बी, आपको बोला गया है ए जो है बी से बड़ा है, और इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक 2ab, ओके ये जो तीनों है ना, ये तीनों जो है साइड से ट्रायंगल का, ओके तीनों क्या है भाई, साइड से ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का, कोई भी ट्रायंगल ले लो, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके आपको प्रूफ करना है भाई, अगर ये तीनों साइड से ट्रायंगल का तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करके दिखाओ, और राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ होने के बाद हमें बोला गया है फाइंड आउट द टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय टेकिंग द सुटेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ये जो साइड्स है ना इसी में आपको ए और बी का वैल्यू लेना है और दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ये जो साइड्स हमें दिया गया इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, अब तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, ये वाला प्लस वाला होगा, ओके तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, ओके तो आपको पता है भाई ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, okay? और a minus b the whole square का भी formula आपको use करना पड़ेगा, तो हम लोग को use करना पड़ेगा a square minus 2ab plus b square, so यहाँ पर इसका formula आप लोग use करो, क्या आएगा देखो, पहला a का square है, तो यहाँ पर already a का square है, तो a का square the whole square करेंगे, okay? plus 2ab है, तो यहाँ पर 2a square b square लिखना, 2a square b square लिखना, फिर b का square the whole square कर देना, b का square the whole square, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर a raise to 4 आ जाएगा, a का a square का square किया तो a raise to 4, यहाँ पर आएगा 2 a square b square और b square का square कर दिया तो b raise to 4 हो गया, ये आपको मिल गया, अब
ए माइनस ये तो आ गया, अब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आ गया, अब क्या करो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड करो। ओके तो नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab का भी स्क्वायर कर दिया। ओके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल मिल जाता है ये दोनों सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टू साइड से, तो आप लोग बोलोगे कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला तो मैंने लिखा है ना, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी बोला है तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ए, क्या है भाई ए का स्क्वायर, और बी क्या है बी का स्क्वायर। ओके फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस टू ए बी का भी स्क्वायर करो, फिर प्लस टू ए बी का स्क्वायर करना है, मतलब क्या आएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके यहां पर इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, एक a स्क्वायर का स्क्वायर किया तो a रेस टू 4 आएगा, माइनस देखो 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है। ओके दोनों लाइक टर्म है तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि प्लस में ना 4a स्क्वायर b स्क्वायर बड़ा है और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर छोटा है, तो आंसर प्लस में आएगा और यहां पर क्या आएगा प्लस b रेस टू 4 आ गया। ओके सो अब आप लोग देख सकते हो ये जो है a रेस टू 4 2 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b रेस टू 4 आया, तो देयरफॉर आपको क्या मिल रहा है देयरफॉर ओके ये 1 दे देना और यहां पर 2 दे देना, फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 से आपको क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसका स्क्वायर जो है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर वो इक्वल आ रहा है, किससे इक्वल आ रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर से क्या आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। ओके ये बहुत ही इजी था, आपने ये प्रूफ कर दिया ये इक्वल है। अब आपको क्या बोला गया है दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। ओके सो हम लोग लेट कोई भी वैल्यू ले लो, a का वैल्यू 3 ले लिया तो b का वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो। ओके क्योंकि a का वैल्यू क्या है सिंस a जो है ग्रेटर है b से, सो अब वैल्यू पुट कर दो किसमें, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके 3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 9 और 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो यहाँ पर पहला वैल्यू मिला 13। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है ए कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर और बी क्या है 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 है और 2 का स्क्वायर 4 है तो यहाँ पर आया 5। ओके फिर 2ab 2ab सो 2ab सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है भाई 2, सो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो आपको मिल गया 13 5 एंड 12। ओके ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 13 5 एंड 12 इज वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो ये फाइंड आउट किया और एक ऑल्सो करके अपन लिख लेंगे, अभी हम लोग a का वैल्यू ले लेते हैं 4 और b का वैल्यू ले लेते हैं 3। ओके एक एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर ऑल्सो करके, यहाँ पे लेट लिखा लेट। ओके तो फर्स्ट वन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे आप लोग कर दोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखो ये आपका आंसर अलग अलग आएगा। ओके हर किसी का सेम नहीं आएगा, जैसे हम वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे वैसे आपका आंसर मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 3 करने पे 25 आएगा। फिर नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा भाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 9 गया तो क्या आएगा बच्चों 8 आएगा। ओके 16 में से 9 गया तो 7 आएगा नॉट 8। ओके फिर और एक बचा है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 4 और b कितना है 3, तो 2 4 8 8 3 24, तो यहाँ पर मिल गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, therefore हम लोग लिखेंगे the two Pythagorean triplets are, हमें कौन कौन सा मिला है, एक है 13 5 and 12 और एक मिला है and okay 13 5 13 5 12 and और एक मिला हमें 25 7 24।
ओके सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों, इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, ये फर्स्ट वन था। ओके चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट सम की तरफ में। तो बच्चों आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सम की तरफ में पहुंच चुके हैं, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ये बोर्ड पेपर सॉल्व करके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो आपको ही पता होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है बच्चों 2 सर्कल जिसका सेम सेंटर होता है बट रेडाई अलग अलग होता है। यहाँ पर मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ओके दोनों का सेंटर सेम है, बड़ा वाला सर्कल का भी सेंटर ओ है, छोटे वाला सर्कल का भी सेंटर ओ है, ओके तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है, रेडाई अलग अलग रहेगा। छोटे वाला सर्कल का रेडाई क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला सर्कल का रेडाई क्या है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, पहले आप लोग कंपास से 3 सेंटीमीटर लेंथ लोगे और एक सर्कल बना दोगे, फिर 5 सेंटीमीटर का लेंथ लोगे, सेम सेंटर रखोगे और फिर से एक सर्कल बना दोगे, तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब बोला गया है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनकर तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ए ऑन द लार्जर सर्कल। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर मैंने पॉइंट ए ले लिया, ओके इसको एक्सटेंड कर दिया। इस पॉइंट ए से मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए से मैं 2 टेंजेंट बनाऊंगा, ओके जो 2 टेंजेंट कहां पे जाएगा भाई, इस छोटे सर्कल को जाकर टच होएगा, ओके तो पॉइंट ए से मुझे 2 टेंजेंट बनाना है। तो 2 टेंजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, ओए का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ओके तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाइसेक्टर तो ड्रॉ करने आता है, यहाँ पे आप अपना कंपास रखोगे, यहाँ पे कंपास रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके 2 आर्क ऐसे कट करोगे, ओके इस तरह से यहाँ पे आपका 2 आर्क कट होएगा, फिर दूसरी तरफ रख के दूसरा आर्क यहाँ से ऐसे कट होएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों पॉइंट को क्या करोगे ज्वाइंट कर दोगे, ओके तो ये आपका क्या बन गया, बाइसेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब आपका ये बाइसेक्टर बन गया, तो ये 2 पॉइंट आपको जो मिल रहा है ना, दोनों पॉइंट, तो यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया बच्चों, एक टेंजेंट बन गया। यहाँ पर चाहिए तो आप इसको नाम दे सकते हो, एंड आर, यहाँ पे नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे आपका ए क्यू और ये जो ए आर है, यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो ए क्यू एंड ए आर क्या है, आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, आपको ये ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, ओके तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। तो आपको टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट यूजिंग द पाइथागोरस, ओके तो आपको यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, ए क्यू और ए आर दोनों का टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ सेम रहेगा। तो हम लोग ने यहाँ पर लिख कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर ए क्यू जो है, ए क्यू और जो ए आर है ना, वो 4 सेंटीमीटर मिलता है, ओके कैसे मिलेगा 4 सेंटीमीटर, देखो हम लोग यहाँ पे ए क्यू ओ अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, देखो ओ क्यू क्या है भाई, रेडियस है, ओके तो टेंजेंट हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगा, तो ए क्यू ओ का मेजर जो रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, ओके यहाँ पर एओ का मेजर कितना रहेगा, एओ का मेजर कितना रहेगा, देखो टोटल लेंथ कितना है, एओ का 5 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है एओ, तो 5 सेंटीमीटर ये आपको पता है। ओ क्यू का लेंथ कितना है भाई, ओक्यू का लेंथ यहाँ पर ओके ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, कैसे, क्योंकि ये रेडियस है, तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना रहेगा बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी हमने लिखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए क्यू का लेंथ, ओके तो उसके लिए देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल आइडिया है। सो आपको ये ओए का लेंथ आपको मिल गया, ओए का लेंथ कितना है भाई 5 है, ओ क्यू का लेंथ कितना है 3 है, ओके तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेंगे, ए क्यू ओ यहाँ पर ए क्यू ओ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, ओके सो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ए क्यू ओ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको आप लिख सकते हो क्यूओ का स्क्वायर इक्वल्स टू एओ का स्क्वायर आ जाएगा, ओके पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आते ही रहेगा ना, ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूओ का स्क्वायर इक्वल्स टू एओ का स्क्वायर, तो ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, प्लस ओ क्यू का स्क्वायर कितना है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एओ का स्क्वायर कितना है भाई, एओ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर आप लोग लिख दोगे, तो ए क्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 25 - 9, सो ए क्यू का स्क्वायर आएगा 16, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको ए क्यू का लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा, ओके सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आप लोग अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर देना बच्चों, ओके आपको आ जाएगा, इजिली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से।
सो यहाँ पर आपका ये जो है टोटल बोर्ड के पेपर सॉल्व होकर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा होगा तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर इस बात पर हम लोग ये लेक्चर को भी कंप्लीट करते हैं, और फिर मैं मिलूंगा एक नए बोर्ड के पेपर के साथ में बच्चों। सो आई बिलीव दैट आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड सी यू अगेन।